Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? Please welcome जन्नत जुबैर रहमानी. Hi जन्नत, कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. So guys, आज हम लोग दोनों मिलके हमारे जो पुराने वीडियोस थे उस पर रिएक्ट करने वाले हैं. हमारे कुछ पुराने म्यूजिक वीडियोस हैं उस पर रिएक्ट करने वाले हैं. जन्नत की कितनी सारी गलतियां हैं उस पर रिएक्ट करने वाले हैं. मजाक कर रहा हूँ, गलतियां तो मेरी ज़्यादा है. सो लेट्स गो. ये वीडियो होगी कितनी, 5 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 4-5 साल. 2019 की वीडियो है, ऑलमोस्ट 24 में. हमने ये वीडियो एयरपोर्ट पे बनाया था, सबको पता है वो. हाँ. ये इसमें तुम जैसे दिख रहे हो और अभी तुम जितने चेंज हो, ऐसा लगता है कि वो 5 साल का चेंज नहीं है, बट आई थिंक वो 8-9 साल का चेंज है. हाँ, क्या कर रहा है, हीरो हूँ ना. तो अपने अंदर मैं ऐसे चेंजेस लाते रहता हूँ. बट हाँ गाइस, मैंने वो वीडियो में क्या नोटिस किया पता है? मैंने वो वीडियो में नोटिस किया कि मैंने सिर्फ वो 15 सेकंड की वीडियो में कितने एक्सप्रेशन दिए, 30 एक्सप्रेशन से 35 एक्सप्रेशन चेंज कर चुका था. तूने भी नोटिस किया? कंटेंट मेरा था. हाँ. वीडियो बनाने भी मैंने बोला. हाँ. और इत्तेफाक हमारे जो कपड़े थे वो भी ट्विन हो गए. और ये बात मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, मतलब स्पेशली मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे कपड़े जितनी बार हमने ट्विनिंग करी है या कोइंसिडेंस हुआ है, आज तक के एक बार भी नहीं, हमने डिसाइड कभी भी नहीं किया था. और ये बात सब बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. म्यूजिक वीडियो एक जगह मैंने किया था क्योंकि हम एक मीडिया के उसमें जा रहे थे. अरे बट यू आर ऑलरेडी वेयरिंग चेक्स, बट तुमने हल्का कलर चेंज किया था उसमें, डार्क ब्लू था, तुमने ब्लैक पहना. राइट. क्या वीडियो बनाते थे पहले? ऑनेस्टली बताओ तुम जब ये कंटेंट निकाल के लेते, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया बट ये कंटेंट वायरल हुआ क्या है और हम ये क्यों बनाने वाले हैं. एक्सप्रेशन वाला कंटेंट था यार वो टाइम पे. ऐसा मतलब यार देखो, वक्त के साथ में तो चलना जरूरी है. हाँ, पर वो वक्त पे भी मुझे नहीं समझ आया. ये वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. हाँ. डोंट रश, ये जो हमने वीडियो बनाया था बीच पे, डोंट रश वाला, इसमें मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था. और मैंने ये वीडियो बनाया था और मैं कितनी मुश्किल से बनाया था मैं जानता हूँ. और इत्तेफाक उस दिन जन्नत मुझे बीच पे मिल गई, क्योंकि मैं वहाँ पे वो टाइम पे वर्सोवा में रहता था. वो भी कोइंसिडेंस था. वो भी कोइंसिडेंस था. पर अगर तुम्हारे पैर में प्लास्टर था तो तुम बीच पे घूम ही क्यों रहे थे? मैं क्या करूँ ना, मेहनती हूँ ना बहुत. तू कैसा भी रहता है ना तो मैं वीडियो बना लेता हूँ. ये वीडियो ना, इट हैज टू बी आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट. जो हमने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें से वन ऑफ माय फेवरेट ये वीडियो. यस, वन ऑफ माय फेवरेट. ये एक प्रमोशन था. हाँ, है ना? इसका बैक स्टोरी भी है. हाँ, याद है तुमको? हाँ, याद है मुझे. सो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना खुशिया था चढ़िया, ये हम लोग कुर्ता नहीं, मेरे पास कुर्ता था, तुम्हारे पास कुर्ती नहीं थी, तो तुम उसी वक्त गई थी शॉपिंग मॉल में कुर्ती खरीदने के लिए. हम लोग सब गए थे. मैं, मम्मी, आयान, फेसो. वैसे अक्सर हमारी वीडियो वायरल होती है गाइज. तुम डांस देखो ना अपना कैसे करते थे पहले. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं जब से झलक किया तुम्हें मेरे डांस में चेंज नजर आया? हाँ यार, बिल्कुल आया. तुम्हें नहीं आया क्या? आगे बढ़ते. इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगी? ओके, तो ये वीडियो आई थिंक ये वो टाइम का वीडियो है जब हम मिलते थे वीडियो बनाने के लिए. हाँ. और एक दिन में 3-4 बनाते थे. लेकिन ये वीडियो मुझे काफी अच्छा क्यूट लगता है. लेकिन हमने इसके बहुत रीटेक्स लिए था. Do you remember? क्योंकि मुझे याद है कि मेरे फोन में थी और मेरा पूरा पेज ऐसे भर गया था. हाँ, हाँ. और ये स्लोमो था, तो स्लोमो के वजह से. हाँ, हाँ. कि हमको ना वो टाइमिंग पे स्लोमो चाहिए था. बट ये वीडियो जो निकला था लास्ट में बहुत अच्छा निकला था. इसमें मेरे बाल बहुत अच्छे लगे मुझे. अच्छा रुक, मैं आता हूँ वापस से, फिर लगाना मुझे. चल के कैसे आ रहा था मैं? कौन बोलेगा हमने इसके पहले कम से कम 12 से 15 टेक लिए थे इसके. सच बात है. ये बताओ, ये वीडियो पता है कब बनाए थे हमने? हमने ये पहला म्यूजिक वीडियो तेरे बिन कीवे का, जो लास्ट का क्लाइमेक्स शॉट चल रहा था, हमने उस पे ये उसके बीच में नहीं, लास्ट का शॉट नहीं चल रहा था. हमेशा मेरे को सही करता रहता है. बताओ,
हम गए थे जो लास्ट हमारी लोकेशन थी, जो कि वो घर था जहाँ पे वो लास्ट पूरा सीक्वेंस शूट होना था, वो केक कटिंग और फिर वो सरप्राइज और वो सारा होना था। तो हमने शॉर्ट नहीं था, सीक्वेंस था, पूरा लास्ट शॉट के लिए किया था हमने, सीक्वेंस था, सीक्वेंस। तो हमने तब शिफ्ट ही किया था, तो जब पाजी वगैरह सब सेट वेट कर रहे थे तो वो बीच में हमारे पास टाइम था, तो हमने उस बीच में बनाया था शूट स्टार्ट करने के बाद। याद है पर ये सब इतने पुराने गाने हैं, लोग मोटी लग रही हूं। तुम कितनी छोटी दिख रही हो ना, छोटी नहीं मोटी। अच्छा मोटी दिख रही हो, छोटी छोटी दिख रही। नो कमेंट। ये आई ना वीडियो, ये वीडियो तो वही फर्स्ट डे जब हमने सारे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, हमने ये वीडियो बनाया था। मैं जन्नत के घर गया था और फिर जन्नत ने क्या करी मालूम है, स्मार्ट प्ले करी गाइस, चेंज करके आई और फिर उसने और वीडियो बनाए। मुझे लगा था एवरीडे तुम 20 वीडियो बनाते थे तो तुम्हें आईडिया होना चाहिए। जानता था कि मैं इसके हिसाब से प्रिपेयर्ड थी कि क्योंकि ये इतने वीडियोस तो मतलब बनाता है तो शायद तुम थोड़ी सी मतलब मेरे से इंस्पायर हो गई थी, ऐसा बोल दो लोगों को। ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ी सी इंस्पायर हो गई। अच्छा फिर इसके लिए चेंज करके आगे इसने गाइस और शूट करी, क्या बात है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये वो टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आउटडोर इंडोर मिला के कुछ अराउंड 15-16 वीडियोस बनाता था, इतनी मेहनत करता था। आप सबको बताओ, और ये पांच एक जगह बैठ के बनाती थी और ये वायरल होती थी और इसे क्यों लाइक्स मिलते थे? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हर मैं वीडियो पे देख रहा हूँ यार, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन लाइक्स है, और मेरी पूरी वीडियो पे मिला जुला के भी देखूंगा तो 4 मिलियन, 5 मिलियन लाइक है। मतलब आप समझ रहे हो कितना फर्क रहता था। अगर वो नहीं भी समझे, तुमने इतनी बार ये बात बोल दी है कि अब उनको समझ आ गया होगा। ये चीज का दर्द रहेगा हमेशा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। भर भर के आता है वो दर्द। ये वीडियो मेरा था, मुझे याद है। और एक्चुअली द स्ट्रगल बिहाइंड रीचिंग दैट इन दी हिट, बाप रे कितना धीरे धीरे करके बहुत मुश्किल था। और किसने शूट किया था? मम्मी ने? आयान नहीं था। तुम्हारी मम्मी ने शूट किया था? नहीं, वो रामजी पाजी के कोई डीओपी थे दूसरे। ओके। हाँ, वो चंडीगढ़ वाले कोई एक है, तनिष पाजी। तो छोटा दिख रहा है, क्यूट दिख रहा है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था अगेन। बताओ, अब मैं जल्द से हार गया पंजे में, बताओ ऐसा हो सकता है? हुआ तो कंटेंट के लिए ये अच्छा ट्रांजिशन था। ये मेरा वीडियो था गाइस वेकेशन का, मैं एकदम क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूं। तेरा मेरा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है। अरे यार का मुंह देखो। ओ खतरों का टाइम आ गया है गाइस। ये रील हमने दो बार बनाई थी, एक फर्स्ट एपिसोड में और फिर इतना आ गया। लेकिन तुमको पता है इसका बैक स्टोरी? इसका बैक स्टोरी, इसके पहले तुमने मुझे एलिमिनेट किया था। हाँ। और उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करती थी। हाँ, और ये वीडियो इतनी मुश्किल से बना, बिकॉज़ मुझे बनानी ही नहीं थी इसके साथ वीडियो। कैसी है गाइस, गेम गेम में सीरियस हो जाती है, मैंने उसको एलिमिनेट किया। गेम में मैं बाहर हो सकती थी। मैं था ना यार, मैं कैसे बाहर होने देता तुमको, मगर तुम गेम में बाहर भी हो सकती थी, मेरे को भी पता था। वैसे मेरी रोहित सर से बात हो गई थी, टेंशन नहीं है गाइस, और ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी वो टाइम पे। होगी ना, मेरी थ्रू आउट शो में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, और मेरी एक परफॉर्मेंस जिसमें मैं बेहोश हो गई यार, देखिए मैंने गिव अप नहीं किया, उसके बेस पे मुझे इसने उसको हम लोग क्या बोलते थे, एलिमिनेट नहीं, क्या नाम देने को बोलते थे, यार फंदा, मतलब इसने मेरा नाम दिया कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं। अरे बाप, क्या अब जो सच था गाइस, मैं उसका साथ तो दूंगा ना सच का, बट देखो ये गई क्या, नहीं गई ना, क्योंकि गाइस जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहता है वो जल्दी नहीं निकलता है खतरों में से, और मुझे पता था ये नहीं जाएगी, और भी बहुत सारे लोग थे उस दिन। कौन गया था? कनिका नहीं यार, प्रतीक गया था। प्रतीक ने परफॉर्म नहीं किया, प्रतीक ने परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो प्रतीक की उस दिन पे अल्लाह वाई वाई, सॉरी प्रतीक का उस दिन अल्लाह हाफिज हो गया था। और हाँ, तो तुम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर थी, बट गाइज इससे बोला गया था, मुझे बोला गया था कि आपने एक रील बनाया था, आप प्लीज जन्नत के साथ में वो रील वापस बनाओ, टिप टिप बरसा पानी, जिसमें इसका मूड ही नहीं था बनाने को, और ये वही रील है। <laughs>
ये सही में इसने हाथ छोड़ दिया गाइस, सही में मारी है इसने मेरे को। हमारे फर्स्ट वीडियो से लेके ये वीडियो तक की जर्नी का डिफरेंस देख रहे हो तुम, कितना डिफरेंस है। मुझे फैजू के साथ कुछ भी एक्ट करने में बहुत हंसी आती है, मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ क्यों हंसी आती है? हंसी आती है मुझे, पता नहीं यार, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ जब भी मेरा इसके साथ रहता है ना, तो मैं कॉन्शियस, अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो गया हूँ पहले से, बट मैं बहुत कॉन्शियस रहता था गाइस, मेरी थोड़ी सी सांस खींची हुई रहती थी, पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को जज करेगी, ये क्या गंदा एक्टर है। ये वीडियो जो थी मैंने लास्ट टाइम रिएक्शन वीडियो पे इस वीडियो के बारे में बताया था, तुम बताओ इस वीडियो के बारे में कुछ। इसके बारे में आई थिंक बहुत ऑब्वियस है, हम जा रहे थे, तुम नीचे उतरे बाय बाय करने के लिए, लेकिन इतना प्रॉपरली शूट कैसे हो गया, कैसा हो गया? ऐसा और ऐसा नहीं ना कट्स में कि लिफ्ट से निकले कि किसी को बोला मैं अभी आया, उसके पहले मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी का डैडी के साथ, उसके बाद इसका क्लोजअप के मेरे विंडो पे, ये क्या था? लेकिन ये मुझे नहीं समझा अभी तक के, मुझे भी नहीं समझा, देखो मुझे ऐसा लग रहा है वो दूसरा कोई कट था और किसी नहीं 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 ये एक ही वीडियो है, ये एक ही वीडियो है, बट आई थिंक वो ऐसे बोलते हैं ना, वो डायरेक्टर की एक आंख होती है जो नॉर्मल शॉट को भी एकदम क्रिएटिव बना देती है, आई थिंक जिसने ये एडिट किया है वो उसकी डायरेक्टर वाली आंख है, क्योंकि अगर नॉर्मली किसी ने ऐसे देखा तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना प्रॉपरली उसको एडिट करके स्लोमो, और कहाँ स्लोमो डालना है देखता, बट ओके स्वीट वीडियो। सो गाइस ये आ गए हम लोग हमारे सबसे पहले प्रोजेक्ट पे, तेरे बिन की वे तो क्या हुआ नहीं यार ऐसा क्यों करते हैं, और साउंड कैसा ना, मेरी लैम्बो देखो, अरे बाप रे इतना छोटा दिख रहा हूँ ना मैं, तुमने यहाँ पे लैम्बो की नहीं चलाई थी ना, ऐसे शौक हो रही हूँ मैं जैसे पता नहीं किससे मिल रहे हो तुम। मैंने जन्नत की एक्टिंग थोड़ी सी एक्टिंग की ग्लिम्स देखा था जन्नत की, मैंने फर्स्ट टाइम जगह पे रोती जगह पे मतलब बाप रे बाप क्या क्या एक्टिंग कर रही है, मैं बहुत चेंज नहीं हुई यार, मैं ये सब देखती हूँ, बस थोड़ी चब्बी लग रही हूँ मैं, और हाँ ऑफकोर्स थोड़ी छोटी लग रही हूँ, बट ऐसे तुम्हारे जैसा चेंज तो आधा भी नहीं है उसका मेरे में। ये शॉट याद है तुमको, इधर पे मैंने ये शॉट में कितनी बार अपने बाल बनाया था, हाँ क्योंकि मैं खराब ये वाला, एक्चुअली मुझे फेस के हेयर स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑलरेडी 6 फिट का है, उसके बाद ये और 4 इंच बढ़ा लेता था अपने बाल वैसे करके, तो मैं इसको बाद में बोलूंगा कि उनका ऐसे बाल मत किया करो अपने, और वो अच्छे भी नहीं लगते। बट वो शॉट में था गाइस, तो इसने पूरे बाल खराब कर दी थी, वो शॉट हमने 4 बार में पूरा किया था, जिसमें मैंने 4 के 4 बार अपने बाल बनाया था। बाल देखो तुम्हारे में कटोरा ओ ये म्यूजिक वीडियो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक वीडियो है गाइस, सेम, ये और ले जा ये दोनों, तू मेरा मिस्र है हमारे, मेरे तो टॉप 2 है इसका नहीं, हां ये और ले जा मेरा भी, और मेरा पहला भी फेवरेट है गाइस तेरे बिन की वे, क्योंकि वो पहला था इसलिए। यार ये म्यूजिक वीडियो में ना ऐसा मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, है ना? अरे ये इसलिए क्योंकि तुम इसके पहले अपना वो सीरीज कर चुके थे ना, तभी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हो गई थी। ये गाड़ी को धक्का देके चलाना पड़ा था ना, याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे इतनी गंदी टैनिंग हुई थी, इतना गंदा सनबर्न हो गया था यार, कितना दर्द हो गया। हमारा पहला शॉट था ना ये, फर्स्ट, हां अरे बाल देखो इतने बड़े बाल गाइस, मेरा मुंह इतना बड़ा और मेरे बाल इतने बड़े, बड़े ही नहीं ऐसे वो ट्रेंड चल रहा था वो टाइम पे मेरा, मैं ट्रेंड लगा गाइस, मगर ये अच्छे लग रहे हैं यहां पे यार, ये शॉट मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा था, कि ये लोकेशन ही कितनी अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी।
ये कपड़े कितने प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हैं और बैकड्रॉप सी अच्छा लग रहा है वो तो देखो पीछे एनिमेशन पीछे पीछे फ्रेम भी अच्छा है डांसर्स डांसर्स भी बैकड्रॉप पे पूरे ब्लैक डीसी में अपने येलो और पाजी का फ्रेम बैकग्राउंड से मतलब लोकेशन से पाजी का जैकेट देखो कितना उसमें जो वीएफएक्स का काम करा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है क्या बात है अब ये टाइम पे मैं कितनी पतली थी इस टाइम पे मैं कितनी लिटरली हड्डी सी लग रही हूँ कल कल हयान जैसे कि तुमको समझ में नहीं आया कि मेरा हाथ है क्या है हाथ है क्या जन्नत है और तो बयान कितना इतना सा और बयान इतना सा करना पड़ता है बट क्या कर सकते हैं पागल हो तुम हाँ बोल रहे हो अरे यहाँ पे तुम्हारी लाइन है ना मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ yes. इसमें हंसने की क्या बात है क्या बात है जन्नत क्या बात है एक तो ये कहरम की रानी हेलीकॉप्टर आई कहाँ से चलो हेयर स्टाइल नीचे तो आया कम से कम तुम्हारा ये फेवरेट शॉट ऑफ द वीडियो ये सीन कितना वायरल हुआ था ना लहजा का आई थिंक लहजा के जितने भी हमारे तीन कॉस्ट्यूम्स है ना तीन कॉस्ट्यूम्स थे सब काफी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे सब काफी और गाइस ये असली शादी हो रही है वहां पे रियल शादी में हमने शूट किया है नागपुर गायब हो जाएगा ये रियल नंबर दिया था गाइस मैंने जन्नत को अपना क्यों बेचारे सच में कॉल कर देंगे जिसका नंबर होगा यार लास्ट के दो नंबर कम है ना बट मजा आई थी ऐसा फील आ रहा था कि हम लोग शादी में और शूट भी कर रहे हैं तो मजा मतलब पता ही नहीं चल रहा था हम लोगों को कितना दिन तीन दिन शूट था ना तीन चार दिन शूट था ना इसका तीन दो दिन एक्सटेंड किए थे बारिश की वजह से एक दिन हमें एक्सटेंड करना पड़ा था और एक्सटेंड भी ऐसा हुआ था कि उस दिन भी हम शूट कर रहे थे शाम की फ्लाइट थी फिर हम लोग गए थे आंसू जन्नत बहुत रोती है म्यूजिक वीडियो में गाइस हमें बहुत मजा आया था ये वीडियो में बिकॉज ये हमारा ही वीडियो था मतलब मेरे ही चैनल पे गया आयान था हम जहाँ जा रहे थे मम्मी थी अनीश ने शूट अनीश का भी डेब्यू था अनीश का भी डेब्यू था फर्स्ट डेब्यू अनीश और ये बारिश हो रही थी कितनी जगह तो हम गए शूट ही नहीं कर पाए बारिश हो रही थी आयान चाहता ही नहीं है कि तुम आओ उसके सेल्फी में बट ये हमने बहुत अच्छा शूट किया था हमने खुद से शूट किया था हमने खुद से फ्रेमिंग किया था अनीश ने बहुत अच्छा शूट किया था इसका और कौन सा ऐप ये करेंगे सब खुद का ही था तो मतलब पूरी यूनिट हम ही क्रिएटिव बन गए थे और सबसे बड़ी बात गाइस के हम लोग ने लास्ट में ना ये ही शूट पे ना फोन से भी शूट फोन का भी हम लोग ने बहुत सारा फुटेज डाला है जो अभी स्टार्टिंग का शॉट था और अभी फैजू जो रोएगा वो सब फोन का ही शूट है ये अरे ये तुमको पता है यहाँ का एक लुक है ना AI फिल्टर में ना लोगों ने एडिट करके ना इधर का एक फोटो डाला है देखा है तुमने काफी सारे डाले हैं हमने आरे में शूट किया था बारिश हो रही थी बारिश दिख रही हो रही है मैंने तो चलो पहन लिया भूल गई पकड़ लिया छतरी अच्छा तो गाइस
ये म्यूजिक वीडियो में हमने कलर कोऑर्डिनेशन किया है कपड़ों का, क्योंकि मेरे डैडी ने बोला था। हाँ गाइस, इसके डैडी ने बोला था। क्या क्या तुम मेरे पे हंस रहे हो इतना तुम? अरे नहीं यार, मैं तुम पे क्यों हंसूंगा यार, तुम्हारी बातों पे हंसूंगा। क्या होता है? हाँ, तुम मेरे को देख के अगर हाँ हाँ करोगे तो किस पे हंस रहे हो तुम? तुम्हारी बातों पे हंसूंगा ना, अब कुछ बोली तुमने तो। ये सब मेरे डैडी का डायरेक्शन था। हाँ, तो बेसिकली डैडी डायरेक्ट कर रहे थे, बता रहे थे ये करना, फिर वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस था। मुझे तो बचपन से आदत है डैडी के सामने एक्टिंग करने की, लेकिन मैं भी डैडी के सामने हमेशा नर्वस रहती हूँ, बिकॉज मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है कि मैं गलत करूँगी और डैडी बोल देंगे। तो बाप रे, आई कैन ओनली इमेजिन कि इस बेचारे को कैसा लग रहा होगा डैडी के सामने। बट यू डिड वेल। हाँ, पता है, क्योंकि वो तुम्हारे डैडी थे ना सामने, तो अच्छा, काफी अच्छा। कितने शॉट्स हमने निकाले, ये हमने दो बार शूट किया था। अनीश ने एडिट में गलत शॉट डाल दिया था, लेकिन डालना वो वाला था जो हमने इनऑर्बिट के बाहर किया था, फिर वीडियो डाल दी थी मैंने। ए, तुम्हें ये यहाँ का सीन याद है, यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पे एंट्रेंस के बाहर इतने सारे फैन और इतने सारे लोग अंदर से चिल्ला रहे थे, तुमने एक इधर स्नैप भी बना के डाला था। यार ये सब शॉट बहुत अच्छा आया था। ये देखो, अरे तुम बैकपैक पहन के कौन बैठा है? मैं जा रहा था ना, मतलब अंकल ने मेरे को बोला था कि बेटा ऐसा शॉट चाहिए कि आप अभी इंडिया छोड़ के जा रहे हो कहीं। तो बैकपैक, मतलब बैग पहन के बैठता हूँ तो फिर ऐसा फील आएगा कि हाँ भाई मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा लगा तुम्हें रिएक्शन वीडियो? अच्छा लगा, ये मेरा पहली बार था, मैंने कभी रिएक्शन वीडियो नहीं किया। नहीं नहीं किया मैंने। अच्छा, तो अच्छा लगा मुझे, मजा आया। इनफैक्ट यू नो, ये सब चीज़ें देख के आपको आपकी जर्नी और कहाँ से स्टार्ट करके आज हमने कितने अच्छे और डिफरेंट वीडियोस बनाए, हम पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिख रहे हैं, कितने चेंजेस हैं, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब समझ में आती हैं। हाँ, वो एक एक अलग अलग देखने से नहीं आती है, बट अब जब वो सब कुछ कंपाइल होकर दिखा तो अब ऐसे रियलाइज हो रहा है बाप रे। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा रिएक्शन वीडियो खत्म होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो हमारी अच्छी लगी तो फेजू के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ये वीडियो को शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऐसा भी बोलूं। यस, बेल आइकन भी दबा देना गाइस। थैंक यू।